घर को बनाने के लिए बेटी को भी टाइम देना, बेटे को भी टाइम देना, बेटे को सिखाना, बेटे को तरबियत देना कि देखो एक बीवी क्या चाहती है उसको समझने की जरूरत है। आज नहीं समझने से तलाक हो रहे हैं। आज बीवी क्या चाहती शौहर को नहीं मालूम, वो चाहती जरा बात करना ना, बिजी पर्सन या तो ट्रैफिक में या तो ऑफिस में मीटिंग में, खलास, उसके अलावा कोई हैज नहीं। वो जरा तारीफ सुनना चाहती, यार तारीफ करो जरा ना, तारीफ बीवी की तारीफ हो कौन करता भाई, बीवी की तारीफ नहीं हो सकता सा। अरे यारो एक बीवी की ख्वाहिश है कि वो तारीफ सुने, कभी उसे खाने की तारीफ करो, बेगम क्या खाना बने जी, ये उंगलियां चाटना दिल भर रहा माशाल्लाह, बोल के देखो ना कभी देखो, और अच्छा बनाना शुरू करती बेचारी, और अच्छे आइटम बनाना शुरू करती, और अच्छे तरीके से काम करना शुरू करती। तारीफ करता नहीं आज का आदमी, प्रॉब्लम आप, ये आपके बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, मेरे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। ये बेटों को सिखाना है, टाइम देना अपनी बीवी को, बात करना अपनी बीवी की, तारीफ करना अपनी बीवी की, खाने की तारीफ करना, उसके कपड़ों की तारीफ करना, कभी अलमारी की तारीफ, क्या सजे जी तुम माशाल्लाह कितना अच्छा दिख रहा आपने, बोलो ना क्या होने वाला है, कभी गिफ्ट ला के देना। सिखाओ अपने बच्चों को, सिखाओ अपने बच्चों को। घर को आ रहा है आदमी, अपने बच्चों को ला रहा, मिठाई का डब्बा लेके आया, आधा किलो का डब्बा लेके आया, खाली उसके ऊपर नाम लिख के लाया ना, शबाना फॉर यू, बल्कि देखो कितना खुश होती बेचारी ने, खलास, फिर हफ्ता भर तो ने काम कर दिया थी बेचारी, क्यों गिफ्ट लाया हमारे शोहर मेरे नाम पे। ये सिखाओ अपने बच्चों को, बोलने का मतलब अपने बच्चों को सिखाना, टाइम देने की तरबियत देना, बात करने की तरबियत देना, मोहब्बत करने की तरबियत देना, गिफ्ट देने की तरबियत करना, ये सब करना। उस बच्ची की ख्वाहिश है कि उसके माँ बाप की तारीफ की जाए, लेकिन हम सारी दुनिया की तारीफ, ससुर का आना है भाई, ससुर की तारीफ नहीं करते अपन। सिखाओ अपने बेटों को, अपने बेटों को ससुराल की तारीफ करना सिखाओ। शादी होके 15 साल हो गए भाई, मैं तो ससुराल में एक रात नहीं रहा, देखो माँ क्या बड़ा काम करे ना, शादी होके 15 साल हो गए एक रात में ससुराल में नहीं रहा, वो कौन सा बड़ा कमाल करे, बेवकूफ है तुम, शान बताना चाह रहे तुम, मैं नहीं जाता ससुराल, मैं नहीं बात नहीं करता हूं। ससुरे आए बैठे, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम बैठे, कैसे खलास, अभी जरा टाइम है गुजारो, खलास बैठो यार थोड़ी देर बात करो, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, कारोबार क्या चल रहा, कैसे चल रहा, फला फला, बैठ के बात करो ना। बीवी चाहती कि शहर उसके बाप के साथ बैठकर बात करे, लेकिन ये बात नहीं करता। सिखाओ अपने बच्चों को, सिखाओ अपने बेटों को, ये सब सिखाने की जरूरत है। क्या बेटियों को भी सिखाना है, बेटों को भी सिखाना है, कौन सिखाना है, ये आपका शौहर नहीं सिखाता, टाइम नहीं उसके पास, सुबह चले गए तो शाम में आता बेचारा, फिर शाम में आती फिर टेंशन रहते, का घर के फला फला कारोबार के कर्जे के फला, नहीं सिखा सकता। आपको सिखाना है, आपको टाइम देना, अपने बच्चों को टाइम दोगे तो घर बच सकते, घर बच सकते, नहीं तो फिर टेंशन टेंशन टेंशन, ऐसा टेंशन बोल भी नहीं सकते, चुप बैठ भी नहीं सकते, ऐसा है घर के, आज घरों के प्रॉब्लम, जल्दी बोलना हो तो डर लग रहा, चुप बैठे तो नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ करना पड़ता, करना पड़ता नहीं पड़ता। ये सब किसकी जिम्मेदारी, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी अपने बच्चों की तरबियत देना। आज सबसे बड़ा रोल हमारी मां का, याद रखना, घर की सास का सबसे बड़ा रोल होता है, उसको बड़ा बनकर रहना है, सिर्फ ऑर्डरों में नहीं, दिल उसका बड़ा होना। गलती करती बहू समझाना, फिर गलती फिर समझाओ, फिर गलती फिर समझाओ, एक न दिन आपकी बहू समझ जाएगी इंशाल्लाह। आपका बेटा गलती करा, बेटे को समझाना, ऐसा नहीं कुछ भी हो मेरी बहू की गलती, कुछ भी हो बहू गलती, अरे ये क्या बात हुई, अपना बेटा क्या आप दूध को धुला हुआ है, आपके बेटे की गलती आपको नजर नहीं आती, सिर्फ बहू की गलती नजर आती, आपके बेटे की गलती है तो बेटे को समझाना, बेटे ऐसा नहीं गलती है, गलती पर तुम, ऐसी सासों को भी हम जानते जो अपने बेटों की गलती को तस्लीम करते हुए अपनी बहू की तरफदारी करने वाली भी सास है माशाल्लाह, गॉड लाइक पर्सन।